महाराष्ट्र के नासिक का रुख करते हैं, जहां कुंभ का पहला शाही स्नान शुरू हो चुका है। सुबह 3:30 बजे संतों ने त्र्यंबकेश्वर में पहली डुबकी लगाई। नासिक व त्र्यंबकेश्वर में 80 लाख से 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शाही स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है। और शाही स्नान पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश। योगेश, तड़के से शुरुआत हो चुकी है शाही स्नान की। अगर इस वक्त आस्था का कुंभ की अगर हम बात करें तो किस माहौल की आप यहाँ पर वर्णन करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो रिलीजियस पल्स है अभी नासिक का वो अपनी चरम सीमा पे है। दूर दराज से आए, हिमालय की कंदराओं से आए साधु, चाहे वो नागा साधु हो, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय के हो, चाहे वो उदासीन संप्रदाय के हो, जो भी अलग अलग संप्रदाय है वहाँ के साधु यहाँ आ चुके हैं। इस वक्त हम महाराष्ट्र के नासिक घाट पे है, नासिक के रामकुंड पे है। मेरी कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि देखिये जो साधु, ये जो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कुंड है वो मुख्य रूप से साधुओं के लिए रिजर्व रखा गया है। अलग अलग जो घाट है यहाँ के, तो उनको एक पर्टिकुलर एक वेद किया गया है। जैसे अगर कोई गुजरात से आ रहा है तो उनके लिए जो है कोई घाट उनके लिए सुरक्षित किया गया, अगर कोई औरंगाबाद की तरफ से आ रहा है तो उनके लिए एक कोई घाट को नामित किया गया है। तो इस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। ये जो रामकुंड है जिसका इतिहास के दृष्टिकोण से और पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास महत्व है, वहां सिर्फ साधुओं को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये घाट जो है पूरी तरह साधुओं के लिए ही रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा जहां तक अभी आप प्रबंधन की बात बता रही थी, तो न केवल पुलिस प्रशासन ने भारी इंतजाम किए हैं, बल्कि जो नासिक के जो स्थानीय लोग हैं वो भारी संख्या में वॉलंटियर यहाँ पे कर रहे हैं। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि एक जो पूरा विधान होता है सुबह में, जो अलग अलग अखाड़े हैं, जो 3 अखाड़े यहाँ पे हैं, दिगंबर अखाड़ा है, निर्वाणी अखाड़ा है और निर्मोही अखाड़ा है, जो 3 अखाड़े हैं जहाँ पे जब से फ्लैग होस्टिंग हुआ था, जब राजनाथ सिंह ने फ्लैग होस्टिंग किया था 19 तारीख को, तब से ही जो साधु जो आ रहे थे अलग अलग जगहों से वो यहाँ पे रह रहे थे। और अभी जाकर जो है शाही स्नान का वो लोग इंतजार कर रहे हैं। खासकर ये पहला शाही स्नान है जो कि पूर्णिमा में होता है, जैसा अभी आप रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि आज रक्षाबंधन भी है, तो निश्चित तौर पे इसका बहुत महत्व है। और फिर जो धर्म यात्रा वो लोग निकालते हैं सुबह में, 3 अखाड़ों से धर्म यात्रा निकलती है जो कि पूरे गाजे बाजे पूरे धूमधाम के साथ यहाँ पे आती है। और फिर यहाँ पे जो साधु हैं वो यहाँ पे डुबकी लगाते हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ से लाइव विजुअल्स जो है दूरदर्शन पे वो देख रही है। जया जी, योगेश बिल्कुल हम देख सकते हैं किस तरह से लाखों श्रद्धालु आज डुबकी लगा रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक कुंभ के पहले शाही स्नान में। आपके पास वापस लौटेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए।